हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल। तो देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल दो रेंज में चल रहा है, एक लार्ज रेंज जहां पे मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। सो लेट मी ड्रॉ। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल एक बड़ा वाला रेंज चल रहा है, राइट। ये हो गया 4 आवर का बड़ा वाला रेंज। तो उसका बीच में एक छोटा वाला रेंज में चल रहा है अभी मार्केट। आप देख सकते हैं ये छोटा वाला रेंज में चल रहा है, राइट। नाउ अभी आप देख सकते हैं मार्केट ये जो सपोर्टिंग लाइन के आसपास आया हुआ है। तो इस सपोर्टिंग आसपास हम बाय में जा सकते हैं और उसका नीचे में ऐसा लगा सकता है क्योंकि ये रेंज में आ रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट होके फिर से यहाँ बाउंस होके फिर से यहाँ ऊपर जाने का चांसेस है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे 15 मिनट में तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट में आप मार्केट 200 मूविंग एवरेज का नीचे आ गया। तो लगता है जब 200 मूविंग एवरेज का नीचे आ जाता है तो हमें डाउन टर्न प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना चाहिए, ये लॉन्ग रन में अप ट्रेंड में है, अभी डाउन ट्रेंड में टेम्पोरली ये डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो प्रीवियस मार्केट बिहेवियर को हम देखे तो आप देख सकते हैं ये जैसे 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हुआ तो उसका नीचे आया, तो सपोर्टिंग का आसपास आया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ से भी सेम बिहेवियर हो सकता है क्योंकि ये नीचे आके ये सपोर्टिंग लाइन जो है वहाँ तक आके फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे आ गया मार्केट तो आप अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो थोड़ा ये जो प्रीवियस लोअर पॉइंट इसका नीचे ऐसा लगा के आप नेक्स्ट टारगेट जो हायर बैंड है वहाँ पे मैं सेट कर सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज